चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकती हैं। और हमने ये 9 नंबर सिलाई ली हुई है और इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकती हैं। मैं आपको शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से हमने बनाना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 12-12 फंदे डाल लिए हैं, यानी कि सारे फंदे 24 फंदे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। और आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप और भी इसमें फंदे डाल सकती हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, 2 फंदे हम ब्लैक से डालेंगे यहाँ पर, पच्चीस और ये 26। सारे फंदे हमारे 26 फंदे हो गए हैं। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने आउटलाइन के लिए बनाए हैं ब्लैक कलर से। 26 फंदे हमारे हो गए हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए एक सिलाई मुझे इसी तरह से बनानी है। ये देखिए पिंक वाले फंदे हमने पिंक से ही बनाने हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक सिलाई बना लेते हैं, ये सीधी सिलाई बना रहे हैं, उल्टी सिलाई और हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने उल्टी और सीधी सिलाई हमने बना ली है। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ से हम पहला फंदा उतारेंगे और धागा आगे करके 2 फंदे हमने ब्लैक से बनाने और ब्लैक को हम पीछे ले जाएंगे और ये धागा हमने आगे लाना है। और यहाँ पर हम जो फंदे सीधी सिलाई में हम जो फंदे जैसे हैं उनको हम इसी तरह से बनाएंगे और लास्ट के हमने 2 फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फंदे जैसे हैं सीधी सिलाई में इसी तरह से बना लिए हैं और लास्ट के हम 2 फंदे यहाँ पे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं बगैर बुने 2 फंदे छोड़ देती हूँ और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब ये देखिए हमने उल्टी तरफ से पहला फंदा उतार के और ये सभी फंदों को उल्टा बनाना है। और देखिए यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमने, ये देखिए, तो आगे के हमने ये पिंक कलर से ही बनाने हैं 2 फंदे। इस तरह से पत्ती को आगे की तरफ बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे हमने बना लिए हैं और बाकी के फंदे हम इसी से बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 4 फंदों तक, ये देखिए यहाँ पे 4 फंदों तक हमने ये सभी फंदे इसी तरह से पत्ती को आगे बढ़ाना है। और ब्लैक के 2 फंदे इसी तरह से चलेंगे ये आउटलाइन के लिए। ये देखिए सीधी सिलाई में जो जैसा फंदा है हम उसको इसी तरह से बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदे फिर से हम छोड़ेंगे। इस सिलाई पे हैं हम, 2 फंदे हमने बगैर बुने छोड़ दिए हैं। फिर से यहाँ पे 4 फंदे हम छोड़ चुके हैं और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। तो देखिए पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पत्ती को फिर से, ये देखिए, आगे की तरफ बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो हम यहाँ पे 4 फंदे बना चुके हैं और 4 फंदों तक हमने अभी ये 4 फंदे और 2-2 करके बनाने हैं, यानी कि हम 8 फंदों की पत्ती आगे बढ़ाएंगे।
तो चलिए मैं इसको ये चार फंदे छूटने तक इसी तरह से पत्ती को आगे बढ़ाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो दो फंदे करके आठ फंदे यहाँ पे हमने ये छोड़ दिए हैं, ये देखिए, और आठ ही फंदे मैंने पत्ती के आगे की तरफ दो दो करके बढ़ा लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं चार फंदे यहाँ पे हमने ये छोड़े हुए हैं। अब ये देखिए, इसके बाद हमने जिस तरह से पत्ती को आगे बढ़ाया उसी तरह से हम यहाँ पे कम करेंगे। तो सीधी सिलाई में हम ये देखिए जो फंदे जैसे हैं उनको हम ये चार फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे, पीछे धागा करेंगे और पिंक कलर के हम बनाते हैं और लास्ट के फिर से दो फंदे और छोड़ेंगे हम। आठ फंदे हम छोड़ चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हम फिर से दो फंदे छोड़ दिए हैं और हम यहीं से वापस हो जाएंगे, ये देखिए। तो आधी पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है ये। अब ये देखिए यहाँ पे हम किस तरह से पत्ती को कम करेंगे, जिस तरह से बढ़ाया है उसी तरह से दो दो फंदों से हम कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दो फंदे पिंक कलर के छोड़ देते हैं, इसको हम इसी कलर से इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये छह फंदे हो चुके हैं और ब्लैक कलर के ये दो फंदे हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, ये देखिए। पीछे धागा, आठ फंदे हम इसी तरह से जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इनको। और देखिए यहाँ पे फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे, ये देखिए फिर से मैंने दो फंदे छोड़ दिए थे, यहाँ पे बारह फंदे छूट चुके हैं। ये देखिए, तो ये दो फंदे हम फिर से इसी तरह से बना लेते हैं, जिस तरह से पत्ती को बढ़ाया है उसी तरह से हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिर से दो फंदे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम चौदह फंदे छोड़ चुके हैं ये लास्ट के पीछे वाले, ये देखिए। और दो फंदे हम पिंक के यहाँ पे रखे हुए हैं और यहीं से हम वापस हो जाएंगे, सॉरी। ये देखिए ये दो फंदे हम इसी कलर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये ऑरेंज कलर के दस फंदे बन चुके हैं, अभी दो फंदे बाकी बनाने हैं हमने। तो दोनों तरफ हमारे जिस तरह से हमने फंदे डाले हैं उसी तरह से हम बारह बारह फंदे वापस हो जाएंगे, ये देखिए। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, पीछे धागा, ये देखिए। तो ये ऑरेंज कलर के दस फंदे हो चुके हैं, अभी दो फंदे और बाकी बनाने हैं, ये देखिए। तो ये हम पीछे धागा करेंगे, अब यहाँ पे हमने ये चार फंदे पिंक कलर के इस तरह से बना लेने हैं, ये देखिए, तीन चार। तो यहाँ पे मैंने एक साथ चार फंदे जो छोड़े हुए थे वो हमने बना लिए हैं और हम यहीं से चार फंदे बना के वापस हो जाएंगे। तो दो फंदे हम पिंक कलर से इस तरह से बना लेते हैं और दो फंदे ये हमने ऑरेंज कलर से बनाने हैं। तो यहाँ पे बारह फंदे बन चुके हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो यहाँ पे बारह बारह फंदे दोनों तरफ हो चुके हैं, ये देखिए। और पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है।
अब इसके बाद हम सीधी सिलाई, जो बारह बारह फंदे हैं इनको हम जो जिस कलर से बने हुए उसी तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए बारह फंदे हम ये बना लेते हैं और बारह ही फंदे हम पिंक कलर से बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए पीछे धागा, और बारह फंदे ये हम इस कलर से बना लेते हैं। जो भी फंदे हमने छोड़े हुए सभी को हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक पत्ती ये बन के कम्प्लीट है। अब इसी तरह से हम उल्टी सिलाई को जिस तरह से हम सीधी सिलाई में जो जैसे फंदे थे वो हम बना लिए, उल्टी सिलाई भी हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। और हम सीधी सिलाई पे फिर से दो फंदे छोड़ेंगे और उल्टी साइड पे हमने डिजाइन बनाना है। ये देखिए ये बारह बारह फंदे उल्टी साइड भी इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ही हमने पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए फिर से हम इसी तरह से पत्ती को आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह से हमने कम करनी है। यहाँ पे फंदे फिर से ऐसी ही आठ फंदे छोड़ने हैं दो दो करके, और आठ फंदे इधर की तरफ बढ़ाने हैं ये, और उसी तरह से हम कम करेंगे। तो हम यहाँ पूरा डोरमेट इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। हमने इसमें बारह कलियाँ बना ली हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह कलियाँ मैंने बना ली हैं इसी तरह से। और बारह कलियाँ बनाते हुए यहाँ पे हमारे बारह फंदे ये हैं और बारह ही फंदे ये हैं, और हम इनको इस तरह से देखिए यहाँ पे उल्टी तरफ से घटा देंगे। सारे फंदे हमने बंद करने हैं। ये देखिए बारह फंदे इस कलर से बंद करेंगे और बारह फंदे हम इस कलर से बंद करेंगे। तो चलिए हम सारे फंदे बंद करते हैं। फ्रेंड्स मैंने सभी फंदे घटा के मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। सिलाई हमने उसी तरह से करी है जो जिस तरह से हम और डोरमेट में करते हैं। तो देखिए हमारा काफ़ी बड़ा डोरमेट बनके कंप्लीट हो गया है, और बहुत आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। आपको जो भी कलर पसंद है आप कोई भी कलर का इस पर पॉम्पॉम्स लगा दें। मैं ब्लैक कलर का पॉम्पॉम्स इसमें सुई से आप लगा लें इस तरह से। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।